इंटरेस्टिंग रहना है स्पोर्ट्स में. वर्ल्ड कप में कुछ दिन, आई थिंक कुछ महीने बच गए हैं. कितने एक्साइटेड हैं आप फर्स्ट वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए जो इंडिया में हो रहा है? कितना बड़ा फेस्टिवल है एक तरह के हमारे लिए, तो किस तरह से देखेंगे आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये अंडर 17 वर्ल्ड कप हमारे फ्यूचर वुमेन्स फुटबॉल का बहुत चेंजेस होने वाले हैं उसकी वजह से. सो इसलिए मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहे हैं. उसकी वजह से मुझे इंडिया के हर कोने में वुमेन्स फुटबॉल को नहीं पता है, वो लोग लाइव में भी देखने को मिलेगा और हर कोने कोने में पता चलेगा कि वुमेन्स फुटबॉल कहाँ तक पहुँच गई है और कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं. सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मुझे लगता है कि यूएसए, क्योंकि वो लास्ट ईयर चैंपियन भी थे, तो मे बी इस बार भी काफ़ी टफ रहेगा. मे बी मुझे लगता है कि काफ़ी एक्सपोजर में मैंने उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हुए देखा है. सो हमारा भी होप है कि वहाँ तक जाने का. सो मुझे पूरा भरोसा है कि ये लोग कुछ तो करेंगे और उधर तक जाने के लिए. और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं अभी भी, और कुछ महीना बाकी है. सो मुझे लगता है, और मेरा मैं बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों को उधर तक जाने के लिए बहुत तैयारी करना पड़ेगा, और आई होप कि वहाँ तक पहुँचे. मैं आप लोगों को विश देना चाहती हूँ कि ये हमारे इंडियन वुमेन्स फुटबॉल के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप लोग की वजह से जो आने वाले बच्चे हैं वुमेन्स फुटबॉल में और जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप लोग को देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाले हैं. सो आप लोग हो सकते तो अपने पूरा 100% देने की कोशिश कीजिए, और एक दूसरे का सपोर्ट करके एक टीम की तरह खेल के और पूरा दुनिया को दिखाना कि इंडियन वुमेन्स फुटबॉल कहाँ तक जा सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट गर्ल्स.